हेलो दोस्तों, आप सभी ने मिस्र के पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां आपको मिस्र से भी ज्यादा पिरामिड्स देखने को मिल जाएंगे। एक समय पर ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब और कम विकसित देशों की सूची में गिना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सूडान देश की। सूडान के बारे में जानने से पहले हम इसके नाम का मतलब आपको बता देते हैं। सूडान शब्द अरबी भाषा के बिलाल अल सूडान से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काले लोगों का देश। सूडान में आपको पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा अश्वेत लोग देखने को मिल जाएंगे। इस देश के लोगों की स्किन सबसे ज्यादा डार्क मानी जाती है। सूडान उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित है। इस देश की कुल आबादी है 4,38,00,000 के आसपास और जनसंख्या के मामले में ये विश्व में 34वें नंबर पर आता है। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो सूडान 18,61,484 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सूडान अपना बॉर्डर मिस्र, इथियोपिया, साउथ सूडान, चाड और लीबिया जैसे देशों के साथ शेयर करता है। सूडान की 853 किलोमीटर लंबी सीमा रेड सी यानी लाल सागर से लगती है। आज के समय में ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा और विश्व में 16वां बड़ा देश है, लेकिन एक समय ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। जुलाई 2011 में सूडान का बंटवारा हो गया था और साउथ सूडान इससे अलग होकर एक नया स्वतंत्र देश बन गया। साउथ सूडान को अभी तक इस दुनिया का सबसे नवीनतम देश होने का दर्जा भी प्राप्त है। दोस्तों, सूडान एक ऐसा देश है जो कई सालों तक मिस्र और ब्रिटेन का गुलाम रहा। इस देश में सोने की खदानें हुआ करती थी और यहाँ के हाथी के दांत भी काफी महंगे होते थे और इसी को हथियाने के लिए इस देश पर विदेशी मुल्क अपना कब्जा करना चाहते थे। सूडान ने अपनी आजादी के लिए कई सालों तक संघर्ष किया और 1 जनवरी 1956 को इसे मिस्र और ब्रिटेन से आजादी मिल गई। लेकिन आजादी के बाद भी इस देश में गृह युद्ध होते रहे और इन्हीं गृह युद्ध के कारण 2011 में साउथ सूडान एक अलग देश घोषित कर दिया गया। सूडान की 97% आबादी मुसलमान है और इस देश में इस्लामिक कानून लागू होता है। इस देश की गरीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की 47% आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। सूडान में हर साल चाड और इथियोपिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं और ये यहाँ की बढ़ती संख्या का एक मुख्य कारण भी है। भले ही ये देश बेहद गरीब और पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग शिक्षा का महत्व समझते हैं। इस देश की साक्षरता दर 72% है, जो कई विकासशील देशों से बेहतर है। सूडान की आय का मुख्य स्रोत यहाँ मौजूद तेल के खनिज हैं। इस देश से चीन, कनाडा और अरब के कई देशों में क्रूड ऑयल की सप्लाई की जाती है, लेकिन सूडान ने कभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की और ध्यान ही नहीं दिया। साल 2011 में साउथ सूडान के अलग होने के बाद इस देश के 75% तेल के स्रोत साउथ सूडान के हिस्से में चले गए, जिस कारण इस देश को आर्थिक तौर पर भी बड़ा आघात लगा था। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे अरब की 45% उपजाऊ जमीन केवल सूडान के पास मौजूद है, लेकिन इस देश में हर वक्त पानी की कमी रहती है और हर साल कई हिस्सों में सूखा और अकाल पड़ता रहता है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक खेती करना भी मुमकिन नहीं हो पाता। सूडान में आर्मी और सरकार के बीच भी अनबन होती रहती है। साथ ही इस देश में भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक है। 183 देशों की सूची में भ्रष्टाचार के मामले में सूडान पहले नंबर पर आता है और ये भी इस देश में विकास न होने का एक अहम कारण है। दोस्तों, सूडान में बहुत कम उम्र में शादी करने का प्रचलन है। हालांकि यहाँ पर सरकार ने शादी की एक उम्र तय की हुई है जो लड़कों के लिए 18 वर्ष है और लड़कियों के लिए शादी की उम्र 16 साल, लेकिन इस कानून के बावजूद यहाँ आज भी बाल विवाह बड़ी संख्या में होते हैं। अभी तक आप लोगों ने केवल मिस्र के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सूडान में मिस्र से भी ज्यादा संख्या में पिरामिड्स मौजूद हैं। मिस्र में लगभग 120 पिरामिड्स है, तो वहीं सूडान में 200 से भी ज्यादा पिरामिड्स बने हुए हैं। हालांकि सूडान के पिरामिड्स आकार में मिस्र के पिरामिड्स से छोटे जरूर हैं, सूडान के लोगों में खेलों को लेकर काफी क्रेज है। खासकर यहाँ पर फील्ड और ट्रैक जैसे गेम्स, जैसे रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग जैसे खेल अधिक खेले जाते हैं। इन खेलों के लिए किसी प्रकार के उपकरण की जरूरत भी नहीं होती, इसीलिए यहाँ के बच्चे और युवा इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल और हैंडबॉल जैसे खेल भी सूडान में लोकप्रिय है। दुनिया के सबसे लंबी नदी नील भी सूडान से होकर गुजरती है और खास बात यह है कि यहाँ पर नील नदी दो अलग अलग रंगों में बहती है। वीडियो में आप व्हाइट नील और ब्लू नील को अलग अलग बहते हुए भी देख सकते हैं। ये दोनों रंगों की नील नदी सूडान की राजधानी खार्तूम
में आकर मिलती है। सूडान में आज भी बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय लोग रहते हैं और हर जनजाति की अपनी एक अलग भाषा है, इसीलिए इस देश में आपको 100 से भी अधिक अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन आधिकारिक भाषा की बात करें तो अरबी और अंग्रेजी भाषा को सूडान की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। सूडान में आपको एक अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाएगी। इस देश में 4 नेशनल पार्क और 2 मरीन नेशनल पार्क बने हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर डेंडर नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना सन 1953 में हुई थी। यहाँ आपको मसाई शेर, अफ्रीकन लेपर्ड, सूडानी चीता, हाथी, जिराफ, राइनोसोरस जैसे जानवर और कई प्रकार के बंदरों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा बस्टर्ड्स, गिनिया फाउल और स्टॉकर्ट को मिलाकर 160 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियां, लगभग 32 तरह की मछलियां सहित कई अन्य प्रकार के अन्य मैमल्स, चमगादड़ और रेप्टाइल्स भी आप सूडान में देख सकते हैं। दोस्तों, सूडान घूमने के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा देश नहीं माना जाता, और आपको बता दें कि कई देशों की सरकार अपने नागरिकों को सूडान की यात्रा पर जाने से मना भी करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आपको ना तो रहने के लिए कोई बहुत आलीशान होटल्स और रिसॉर्ट्स मिलेंगे और ना ही इस देश में टूरिज्म इंडस्ट्री की ओर ध्यान दिया जाता है। लेकिन यदि आप दुनिया को एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं तो एक बार इस देश की ट्रिप पर जा सकते हैं। सूडान में आप इस देश की राजधानी खार्तूम के सैर कर सकते हैं। 2 अलग अलग रंगों की नील नदी को देखने में भी आपको काफी मजा आएगा। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो माउंट कैनियाती पर चढ़ाई कर सकते हैं, जो यहां का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके अलावा आप यहां के रेगिस्तान, पिरामिड्स, नेशनल पार्क और लेक नासिर जैसी जगहों का भी दीदार कर सकते हैं। सूडान की करेंसी की बात करें तो यहां पर सूडानीज पाउंड चलता है और एक भारतीय रुपया लगभग 5.90 सूडानीज पाउंड के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीकी देश सूडान की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप इस देश की सैर पर जाना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर अन्य वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।